इस वक्त हमारे साथ जमा खान है और आपको बता दें कि हाल ही में बीएसपी से ये जेडीयू में शामिल हुए थे और आज मंत्री बनने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो बधाई आपको। थैंक यू। इस तरीके की उम्मीद थी आपको? जी, उम्मीद इसलिए थी कि चूंकि हम लोग संघर्ष किए हैं, छात्र राजनीति से हम लोग सफर तय किए यहाँ पहुंचा, और मुझे उम्मीद था कि ऐसा मौका है कि बिहार के अंदर काम करना होगा, क्योंकि हम 3 चुनाव विधानसभा के लड़े, थोड़े थोड़े वोटों से चुनाव हारे, चौथी बार मैं चुनाव जीता हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद से लगभग मैं 1,00,000 वोट पाया, तमाम समाज के लोगों ने विश्वास किया, और निश्चित तौर पर जो जिम्मेवारी मुझे कल मिलती है आपके आशीर्वाद से, उस चीज़ को मैं निभाऊंगा, ईमानदारी से निभाऊंगा, काम करूंगा। चुनाव के कुछ दिन बाद ही आप जेडीयू में शामिल हुए, तो ये कहा जा रहा है कि जेडीयू ने आपको तोहफा दिया। जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि विकास एक ललक जज्बा था। मैं जानता था कि यहाँ पे रहकर, बीएसपी में रहकर कोई विकास में नहीं कर सकता हूँ, और चूंकि कुछ ऐसे वहाँ के लोग हैं, नहीं कहना चाहता हूँ, जो प्रभारी लोग हमारे हैं, पार्टी को पार्टी के नाम पर पैसे ये वह सब करना धरना, मतलब विकास नहीं हो पा रहा पार्टी का, विकास नहीं हो पा रहा जो मैंने वादा किया था। हमारे क्षेत्र में चयन विधानसभा है जो पहाड़ी इलाका है, गोद में रहता है, तमाम हम हर विधानसभा में देखा हूँ विकास हुआ है। मेरे क्षेत्र का मामला ये जो पहाड़ी की गोद में है, सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। एक मौका दिया ही नहीं बीएसपी को, आप तो चुनाव लड़े, जीत गए और फिर तुरंत जेडीयू में शामिल हो गए। जी, इसलिए कि वहाँ के 1,00,000 वोट दिए हमको, तमाम समाज लोगों ने दिया था, कोई पार्टी का नहीं चिन्हित था। 1,00,000 वोट का मतलब होता है 1,00,000 वोट, जहाँ मात्र 20,000 मुस्लिम हैं, उसके बाद मुझे 1,00,000 वोट मिला, तमाम समाज के लोग, तमाम पार्टी के लोगों ने दिया, मैं सबका सम्मान करता हूँ। जो मैं ललक थी विकास का, चूंकि उस क्षेत्र में मैं विकास करना चाहता हूँ, निश्चित तौर पर आपका आशीर्वाद से मैं वहाँ विकास का दिखाऊंगा। रोड का हुआ, सिंचाई की व्यवस्था का, धौरा प्रखंड है जहाँ पे 121 गाँव है, वहाँ टावर आज तक नहीं है, कोई नेटवर्क काम नहीं करता है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, सेंचुरी को बहाना देकर तमाम विकास को ठप कर दिया गया। ये तमाम चीजें थी जो मैं। जमा खान साहब, क्या आप इसी शर्त पर जेडीयू में शामिल हुए थे कि आप मंत्री बनेंगे? तभी मंत्री नहीं था, जो मेरे अंदर ललक जज्बा देखकर या मैं कर्म देखकर, मेहनत देखकर, जो आप लोगों के आशीर्वाद से जो आशीर्वाद मिला, मैं मुझे ललक नहीं थी, ललक ये था कि मेरा विकास को काम हो, उसके लिए मैं ललक थी। तो कौन से मंत्रालय की उम्मीद कर रहे हैं? कुछ नहीं, आपका आशीर्वाद जो मिल जाए। थैंक यू, चलिए बहुत शुक्रिया। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं इस वक्त जमा खान जो कि निकल रहे हैं यहाँ से, और लंबे वक्त से ये कहा जा रहा था कि जमा खान साहब बीएसपी से, हालांकि जब वो जेडीयू से मिलने गए थे तमाम मंत्रियों से और बड़े नेताओं से, तभी से ये कयास लगाया जा रहे थे कि जमा खान जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। नीतीश कुमार से भी वो मिलने गए थे, उसके कुछ ही दिन बाद जमा खान जो है वो जेडीयू में शामिल हो गए, और आज इनको कहा जा रहा है कि जेडीयू ने एक बड़ा तोहफा दिया है, मंत्रिमंडल के सदस्य आज जमा खान बनने जा रहे हैं। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ यशस्वी, एबीपी न्यूज पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।